ये बिहार के भागलपुर की आज की तस्वीर है, जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन सच भी यही है कि गंगा किनारे बसा नाथनगर का इलाका इन दिनों भयंकर जल संकट की चपेट में है, जहां पर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए साफ पानी तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। मजबूर होकर नदी तालाब से पानी भरना पड़ रहा है, जबकि सूबे में हर घर नल का जल योजना का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। उसकी एक बानगी यह इलाका है। गांव में चपाकल बोरिंग छे ना छे पोने ना दे छे चपाकल ना आ बोरिंग बोरिंग छे त ना चले जे आ कहिया से नहीं चले जे एक महीना से एकरे से खाना भी बनाई छे हां आ पानी पानी भी पिया छे खाना पीना भी करे छे जड़ा मैदान जा छे हाथ मुंह कुल्ला नहीं करे पर छे नदी में भी करे छे। गौरतलब है कि गंगा किनारे बसा ये इलाका सदियों से जल संकट से जूझ रहा है। हर बार गर्मी आफत बनकर आती है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड बड़ी समस्या है। इस बार बिहार में प्री मॉनसून की झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी तालाब और पोखर तकरीबन रिचार्ज हो चुके हैं और जल स्तर सामान्य बना हुआ है। नाथनगर इलाके के लिए इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। यहाँ पर जल संकट जस का तस बना हुआ है। हालात देखकर हर कोई सिस्टम से यही कह सकता है कि डबल इंजन की सरकार में लोग प्यासे हैं। साफ पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सरकारें आ रही है जा रही है, नाथनगर के लिए कुछ भी नया नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? उनका पानी जाने का ये कुआं है, इंटेक्स प्लांट जो 1978 से ही प्रगति पे था और सुचारू ढंग से चल रहा था। 2007 में नदी का खनन होने अतिक्रमण होने से बालू उठने के कारण ये जो है कि इसका स्रोत मर गया और जिसके कारण पानी जो है कि जाना बाधित हो गया बालू के वजह से। अब जिसका से बंद है 2007 से। और इसके बाद फिर पीएचडी के द्वारा यहाँ बोरिंग हुआ 140 फीट और इसी से अभी जगदीशपुर वाटर सप्लाई को पानी मिल रहा है। यहीं से वहाँ सैम्प में स्टॉक होके फिर टंकी में चढ़ा के 30 से 40 मिनट तक जो है कि इनका सप्लाई होता है, वो भी सुचारू ढंग से किसी पब्लिक को ढंग से पानी नहीं मिल पाता। अभी चालू है? अभी बोरिंग चालू है जिससे 15 से 20 मिनट पानी मिलता है जनता को, और जिसके कारण ये भी बोरिंग जो है कि 2 दिन से जो है कि अपना रवैया बदल दिया है कि 5 मिनट पानी चलता है, 5 मिनट शॉर्ट कर जा रहा, फिर 5 मिनट के बाद पुनः पानी दे रहा।